नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अजीम। उत्तराखंड में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। हालांकि सर्दी बहुत है, लेकिन राजनीतिक पारा बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है। आज हम भगवानपुर विधानसभा में आए हैं। यहां जानेंगे कि माहौल क्या है। भगवानपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पर कई योजनाओं से राकेश परिवार का दबदबा है। 2017 में राकेश परिवार के ही दो सदस्य ममता राकेश और सुबोध राकेश बीजेपी और कांग्रेस से आमने सामने हुए, लेकिन ममता राकेश को विजय मिली, सुबोध राकेश को हार का सामना करना पड़ा। 2022 में सुबोध राकेश ने पार्टी बदल दी है और वो बसपा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनके प्रति क्या माहौल है जनता में, सुबोध राकेश या ममता राकेश, इस बार जनता किसे यहाँ से जिताएगी, बात करेंगे। अभी हम सिरचली गांव में, यहाँ के हमारे साथ हैं प्रधान जी, क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल है यहाँ पर? देखिए, माहौल तो पिछले विधानसभा में यहाँ पे कुछ और था। विधायक ममता राकेश को लोगों ने सपोर्ट करा, वोट दिए, लेकिन इस बार पूरा का पूरा मामला यहाँ पे भगवानपुर विधानसभा में बदल चुका है। इस बार लोग यहाँ परिवर्तन करने की तैयारी में लग रहे हैं, तो एक तरफा यहाँ से तो पूरा का पूरा मामला सुबोध राकेश जी का बन रहा है। विधायक मुद्दे क्या हैं लोगों के, मुद्दे इस बार? मुद्दे ज़्यादातर तो विकास के ही मुद्दे हैं। विकास किसी गांव में जाके देख लो आप, नहीं हुआ, ज़्यादातर गांव ऐसे ही है। और रही बात बसपा से आए हैं अब सुबोध राकेश जी, बसपा या कोई अन्य पार्टी, उससे तो हमें कोई मतलब है, मतलब सुबोध राकेश जी से हम साथ उनके हैं और वो विकास राकेश के साथ है जी। क्या कहना चाहेंगे, किसके पक्ष में माहौल है? सुबोध राकेश क्यों? बस सुबोध से 7 साल से विधायक हैं ममता राकेश जी, उन्होंने काफी विकास कार्य कराए हैं, उनको लोगों के यहाँ आना जाना है, उसके अलावा किसी और से मिलना पसंद नहीं करती, इसलिए लोग बाग चाह रहे हैं कि तो किसके पक्ष में माहौल इस बार? सुबोध राकेश। सुबोध राकेश, इनका कहना है कि सुबोध राकेश के पक्ष में माहौल है। कुछ लोग और मौजूद है, क्या नाम है भाई जी आपका? मोहम्मद शमशाद। शमशाद जी, माहौल क्या है इस बार? माहौल सुबोध राकेश, सिर्फ और सिर्फ। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये कि काम के, क्या आपकी विधायक ने काम नहीं किया? नहीं, किसी का कोई काम नहीं किया। विधायक ममता राकेश जो हैं, सुबोध राकेश विधायक ना हो तो भी काम किया है लोगों के। सुबोध राकेश ने काम किया है। क्या नाम है आपका, बताइए आप, बताइए माहौल क्या है? माहौल सुबोध राकेश जी का है। क्यों? के ममता राकेश जी ने काम विकास यहाँ हमारे गाँव में कम किया, इसलिए ममता राकेश ने विकास नहीं किया सिरचली गाँव में। आपका क्या नाम है? लोकेश जी। लोकेश जी, किसको सपोर्ट करेंगे? सुबोध को करेंगे। सुबोध जी ज्यादातर कहना सुबोध आप जी, सबोध को करेंगे जी। क्यों, क्या सुबोध को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं जी? सबोध को इसलिए कर रहे हैं कि वो बगैर विधायक रहे तो भी उसके पास गए, उसने वो काम किया, और विधायक रहे तो उसने ममता राकेश ने वो काम नहीं किया। सुबोध राकेश ने विधायक रहते हुए भी, विधायक ना रहते हुए भी लोगों के काम कराए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रनीश कुमार है। इस बार किसका माहौल देख रहे हैं यहाँ? माहौल मैं देख रहा हूँ पंजे का। पंजे का ये शख्स मिले हैं, कह रहे हैं पंजे का। क्यों? ममता राकेश। ममता राकेश को क्यों सपोर्ट करेंगे? इसलिए क्योंकि उत्तराखंड के अंदर 7 साल या 5 साल में कहीं किसी का मरना हो जीना हो, ममता राकेश एकदम तुरंत पहुँचती है। सुबोध राकेश जी नहीं जाते? जाते हैं, वो भी जाते हैं, लेकिन ममता राकेश ज्यादा ध्यान रखती है। ममता राकेश सभी के दुख सुख में जाती है, इनका साफ तौर से कहना है। आपका क्या नाम है? रामदयाल जी। रामदयाल जी, किसे सपोर्ट करेंगे इस बार? सुबोध राकेश को। सुबोध राकेश को जी। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम है जी उस्मान। उस्मान जी, माहौल किसके पक्ष में है भगवानपुर का इस बार? वो तो सुबोध राकेश के में जी, लेकिन मेरे प्रधान जी जहाँ कहेंगे मैं वहाँ उठ दूंगा जी। प्रधान जी का कुएं में गिर जा तो कुएं में गिर जाऊंगा जी मैं। अच्छा, तो आप प्रधान जी का सपोर्ट है, ठीक है। आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम आसिफ है। इसका माहौल है इस बार भगवानपुर में? सुबोध राकेश। तो आप देख सकते हैं कि मिली जुली प्रकृति आ रही है। एक शख्स हमें यहाँ पर मिले हैं जो ममता राकेश के सपोर्टर हैं, इनसे दोबारा बात करते हैं। ममता राकेश को क्या पसंद आया काम आपको? सर, मुझे ममता राकेश का एक पसंद आया कि उनका उठना और बैठना और गाँव में आना और जाना उनका बहुत अच्छा लगा मुझे। गरीब पार्टी में अच्छा लगता है मुझे। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद मुजम्मिल है। मुजम्मिल भाई, किसे माहौल किसके पक्ष में देख रहे हैं जी? जो विकास कराएगा, जिसने बगैर विधायक रहते हुए भी काम कराया हमारा,
सुबोध राकेश, अगर आप फिलहाल गांव में जाओगे अंदर तो पानी और कीचड़ के अलावा कुछ नहीं मिलने का, सड़कों में खड्डे मिलेंगे, विकास बिल्कुल नहीं मिलने का। 7 साल हो गए जी यही जिंदगी जी रहे, 7 साल से विकास नहीं हुआ। इन लोगों का यह कहना कि ममता राकेश विधायक जो है 7 साल से विधायक हैं, लेकिन सिरजदी में कोई विकास नहीं हुआ। आगे दूसरे गांव में देखेंगे कि माहौल क्या है। सिरजदी के बाद अब हम पहुंचे हैं भगवानपुर विधानसभा के रायपुर गांव में। यहां कुछ लोगों की राय जानेंगे कि माहौल क्या है, किस तरह का माहौल है, किसे कैसा अपने आप ये विधायक देखना चाहती है। मजी कैसा विधायक होना चाहिए था? बढ़िया होना चाहिए, जो गरीब का अमीर का फर्क होना चाहिए, जो गरीब दुखी उन्हें भी कुछ फायदा होना चाहिए, और भाई जो दुनिया में उल्टे काम हो रहे उन्हें थमना चाहिए। इस बार कांग्रेस को दोगे या बसपा को या बीजेपी को वोट? हम कहे तो हम तो पत्रकार हैं, हमें हम तो आपकी राय जानने आए हैं। पत्रकार की बजाई होना चाहिए, गलत बात अभी दे दे। एक अम्मा जी और हमारे साथ हैं। अम्मा जी कैसा विधायक देखना चाह रहे हैं? बढ़िया विधायक देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ लंबे टाइम से विधायक राकेश परिवार का होता है, ममता राकेश एक बार ममता राकेश और सुबोध राकेश दोनों लड़ रहे हैं, कैसा कौन किसे वो सपोर्ट करेगा? कांग्रेस को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम। कैसा विधायक होना चाहिए, क्या क्या समस्या है? जो विकास की तरफ ज्यादा देखता हूँ उसको सपोर्ट करेंगे। किसे सपोर्ट करेंगे? नहीं ये नहीं बताएंगे, वो अंदर की बात है, ये तय करेंगे बात, अभी नहीं। क्या 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 मुद्दे हैं आपकी विधानसभा में? जो ग्राम में जो सड़क है, जो अभी भी जो काफी विकास हुआ है। 7 साल से कांग्रेस की यहाँ विधायक है, तो क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ? बहुत विकास हुआ है, विकास हुआ है, विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? आजम जी कांग्रेस की 7 साल से विधायक है, विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है या नहीं, किस तरह देख रहे हैं विधानसभा चुनाव? रोजगार में कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज में बहुत बढ़िया फैसिलिटी दे रही है ममता राकेश जी, सरकार हमारी चाहते हैं कि भगवानपुर में कौन विधायक होना चाहिए? ममता राकेश। क्या नाम है आपका? क्या मुद्दा है विधानसभा का इस बार, कैसा विधायक होना चाहिए आपका? किसे कांग्रेस के सपोर्टर है? कुछ लोग और मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? माहौल कैसा है इस बार विधानसभा का? इरफान भाई किसे सपोर्ट करते हैं? ऐसा क्यों भाई? बढ़िया काम करो, काम करो। अभी तक तो विधायक भी नहीं बने, काम क्या करवा दे? और पैसे भी बगैर उसके भी काम करवा भाई, विधायक को नहीं काम करवा रहे? अरे 7 साल विधायक रहे, यहाँ तक कुछ करा नहीं हूँ। ममता राकेश 7 साल में कितने करा? क्या कैसा विधायक होना चाहिए इस बार? सुबोध राकेश जैसा ही। क्या खूबियां सुबोध राकेश में? अच्छे हर वह हर दुख गरीब की अमीर की सब कुछ सबकी सुधारे बहुत अच्छा आते हैं, जब चाहे जब चाहे बुला। तो माहौल किसके पक्ष में है भगवानपुर विधानसभा में? बहुत बढ़िया है जी, सुबोध राकेश जी की। कैसा विधायक चाह रहे हैं इनको? अजीब का तो बहुत चाह रहा, सुबोध चाह रहा। क्यों सुबोध में क्या खूबी है जी? नवा लड़के का तो माहौल किसके पक्ष में? माहौल तो बहुत गई, सुबोध के पक्ष में माहौल है। सुबोध राकेश के पक्ष में? अरे कैसा विधायक देखना चाह रहे इस बार? सुबोध जैसा। माहौल किसके पक्ष में? सुबोध के पक्ष में। क्या नाम है आपका? नौशाद। नौशाद भाई विधानसभा चुनाव का आगाज हो रहा है, पूरी तैयारी चल रही जी, माहौल कैसा इस बार, किसके पक्ष में माहौल? नहीं देंगे जी वोट?
अभी हम भगवानपुर में आए हैं, सिरसिली और रायपुर का हाल जानने के बाद भी भगवानपुर में जो कस्बा है भगवानपुर वहाँ पे तो कुछ लोगों से बात करते हैं। माहौल क्या है यहाँ पे, क्या नाम है आपका? शर्मा जी, माहौल किसके पक्ष में है? वो अच्छे आदमी हो, सबके साथ रहते हैं, वो काम बढ़िया करते हैं। आपका नाम क्या है? हनुमान जी किसका? ऐसा क्यों? क्या हम भगवान गुरु कस्बे का हाल जान रहे हैं? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका, आप बताइए? क्या कुछ काम करवाया करो ना? अभी यहाँ भगवानपुर बाजार में डॉक्टर साहब है, इनके पास आए हैं, इनसे पूछते हैं किस तरह का माहौल है चुनाव का। साहब, क्या नाम आपका? कांग्रेस की साइड है भगवानपुर में, कांग्रेस की तरफ जी। ठीक है, हर एक आदमी और है। क्या नाम आपका? मेरा नाम है जी मूलचंद। मूलचंद जी, माहौल क्या देख रहे हैं, किसके पक्ष में है, कांग्रेस बीजेपी या बसपा? युवा नेता है सुबोध राकेश। तो आपने देखा कि भगवानपुर में हमने सिरचंदी गांव, रायपुर, भगवानपुर का दौरा किया और जनता की राय जानी, मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है, लेकिन ज्यादा पक्ष में जो दिखाई दे रहा है, ज्यादा लोग जो है वो सुबोध राकेश के पक्ष में बोले। उनका मानना है कि युवा चेहरा है और कांग्रेस को भी हमने यहाँ लंबे समय से देख लिया, इस बार बसपा को देखना चाहेंगे कि वो क्या करेगी। तो आपने देखा कि हमने जो है भगवानपुर विधानसभा का दौरा किया, इसमें सिरचंदी गांव, रायपुर और भगवानपुर कस्बा का हमने दौरा किया और लोगों की प्रतिक्रिया ली कि किस तरह का माहौल है और किसको अपना विधायक देखना चाहते हैं। इस बार लोगों की जो प्रतिक्रिया है मिली जुली मिली, लेकिन ज़्यादातर लोग सुबोध राकेश जो बसपा से प्रत्याशी हैं और युवा चेहरा हैं, उनके पक्ष में माहौल देखने को मिला। अब आने वाली 14 फरवरी को ये पता चलेगा कि भगवानपुर का सिकंदर कौन होगा। जनता सुबोध राकेश पे विश्वास जताएगी या फिर दोबारा से ममता राकेश यहाँ पे बाजी मारेगी।